करोगे तो और चांस मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं। Come on। कुछ करूं क्या? करना चाहती हूं। तुम कॉपरेट नहीं कर रहे हो। पेशेंट के कॉपरेट करने पर भी ऑपरेशन ना करने वाले डॉक्टर तुम्हारे जैसे होते हैं। सही काम करते हैं हम जैसे लोग, बेकार का काम नहीं करते हम लोग। कोई सुनना चाहे तो बहुत कुछ सुना सकता हूँ मैं। तुम कुछ भी कह लो, लगता है कुछ नहीं होने वाला। हाँ तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे क्यों लेकर आए तुम? आने के लिए कहा था ना, तो शर्त लगा कर बहक क्यों रही हो? शर्त लगाया तो क्या, काम तो कर सकता हूँ ना। जब करना ही है तो फिर सोच क्या रहे हो? आत्मसम्मान है इसीलिए। तो मुझे नहीं है क्या? किसी भी तरह तुम्हें पटाकर तुमसे शादी करने वाली हूँ, इसीलिए क्लोज हो रही हूँ। डर लग रहा है क्या? नहीं, मुझ में हिम्मत है। इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम्हारी प्यार की वजह से। मेरे प्यार की वजह से ना, मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो तुम। हाँ, इसी जन्म के लिए। अगले जन्म के लिए तुम मुझे चाहती हो तो अभी अच्छे से करना होगा तुम्हें। अरे तू ही चोर है ना? क्या नया धंधा खोल रखा है क्या? एक चुराता है, दूसरा लेकर भागता है। स्टाइल तेरा अच्छा है यार, नया मॉडल, नया ट्रेंड। बहुत डेवलप हो गए हो तुम लोग। अरे ओए, सिर्फ यही करते हो या फिर कुकटपल्ली लिंगराजपल्ली एरियाज में ब्रांच ओपन किया है? जैसे छोटे बच्चों को किडनैप करना, लड़कियों को उठा ले जाना, एसिड डालना, तुम ऐसे भी काम करते होगे ना? ओए, तुमसे बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप जिसे चोर समझ रही है वो मैं नहीं हूँ। वहाँ देखिए। ओके, सॉरी, मुझे गलत मत समझना। देखो, मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ लेकिन अच्छी लड़की हूँ मैं। इसमें लाख रुपए थे, तुम्हें पता है? पता है। फिर भी इतना पैसा लेकर भी तुम भागे नहीं? हाँ, तुम्हारे इन पैसों का मैं क्या करूँगा? तो तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? हा? जो दौलत मेरी थी वो मेरे पास नहीं। लगता है तुम्हें किसी से प्यार है। दिल जीत लिया इसने। सनी को बहुत पसंद आए तुम। सनी अब तुम्हारी हो गई। आई लव यू यार। हाय। हाय। क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं दे रही हो। हो सके तो डॉक्टर को दिखाओ या फिर चश्मा पहनो। क्या यार, मजाक कर रही हो क्या? हाँ तो और क्या करूं? तुम उस पूजा के साथ दिन रात घूमते रहते हो तो तुम्हें भला कोई और कैसे दिखाई दे सकता है? हाँ, इडियट। इतना भाव क्यों खा रही हो यार? हाँ तो डेटिंग और चैटिंग के लिए लवर के साथ घूमते हुए फ्रेंड को भूल जाते हो ना, बेवकूफ। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ, अब चिल्लाऊंगी नहीं, मारूंगी। क्या हुआ, पैसा ढूंढ रही हो? नहीं यार। पैसे तो बैग में हैं, फिर क्या ढूंढ रही हो यार?
इससे। ये मेरे पैसों से बढ़कर है मेरे लिए, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। क्या यार, एक डॉलर के लिए? ये सिर्फ डॉलर नहीं है यार, मेरी माँ के प्यार की निशानी है। ना यार, जमाना इतना फास्ट जा रहा है और तुम इतना स्लो जा रही हो। अभी तक डॉलर्स कॉइंस में फंसी हो। इट साउंड्स फुलिश यू नो। शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन मुझे माँ से प्यार है। अपनी माँ से प्यार करो, बट उनकी दी हुई कंगन गहने डॉलर से कैसा प्यार यार? पागल की तरह बात मत करो, मेरी सेंटिमेंट्स मेरी है। इस तरह के डॉलर्स को ना मैंने कई बार फिल्मों में देखा है। ये उसका जीरोक्स है क्या? ए, मुझे अगर गुस्सा आ गया ना, तुझे मार कर तेरी लाश का जीरोक्स निकाल लूंगी। अरे मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो ना। छी, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुझे मार कर तेरी चमड़ी से दुपट्टा बना लूंगी मैं। ठीक है ठीक है, लेकिन इससे पहले जाके वो काम कर लेना। जाना यार, बाय। चाहे तुम कुछ भी बोलो, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। आजा तुम भी। वाओ, कम। नो बेबी। लो लो। मैं आ जाओ। हे सनी, मुझे पसंद करते हो ना? हे, कैसी बात करती हो? तुम अगर दूसरे से शादी करके चार बच्चों की माँ भी बन जाओगी ना, तो भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। ओके, उसके बारे में कल सुबह बात करते हैं। क्या हुआ बेटी, इतनी रात हो गई सोई नहीं? अभी तक तुम जाग रही हो, इसका मतलब किसी से प्यार हो गया है? जी हाँ डैडी, लेकिन अभी तक उस लड़के को बताया नहीं। वन साइड लव है क्या? प्यार को बिना छिपाए बता रही हो, मतलब वह प्यार तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटी। थैंक्स डैडी। जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। गुड नाइट। हाय, लव यू यार। क्या हुआ, प्यार करना गलत है क्या? मुझसे प्यार नहीं करोगे? तुमसे मिले सिर्फ दो दिन हुए, और वैसे भी ये हमारी दूसरी मुलाकात है। प्यार को समझने के लिए
सिर्फ दो दिन काफी नहीं है। एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं ये जरूरी नहीं है। सनी ने तुम्हें पसंद किया है बस। तुम्हें पसंद आओ इसके लिए मैं क्या करूँ? बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाऊँ या किसी कार के नीचे आकर जान दे दूँ? कार और ट्रेन से मरना आम बात है, वैसे यह तालाब भी बुरा नहीं है, इसमें कूद जाओ। सनी फिक्स हो चुकी है बस, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे मेरी बात तो सुन यार। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। प्यार जिंदगी में एक बार होता है, मौत भी एक बार आती है। जाने दो मेरी इस जान को, एक चांस लेकर देखते हैं। मान जाना भाई, वो बहुत जिद्दी है यार। हाँ तो मरने दे इसे, मैं क्या करूँ? आखिर ये है कौन? दो दिन में सिर्फ दो बार देखा है मैंने इसे, तो फिर ये जिए या मरे मुझे क्या है? क्यों, डर लग रहा है क्या? हाँ, डर तो तुम्हें होगा। अगर मैं मर गई तो ये कुछ दिनों में किसी लड़की से शादी कर लेगा, तो फिर क्यों ना मैं ही ट्राई करती रहूं, शायद मुझसे प्यार हो जाए इसे, इसीलिए रुक गई। तो तुम हो? पसंद आई क्या? बाहर से सख्त हो लेकिन अंदर से बिल्कुल मोम हूँ मैं। पता नहीं तुम्हें देखकर प्यार करूँ या नहीं ऐसा सोचा था, लेकिन एक सेकंड में पसंद आ गए तुम मुझे। मेरी माँ की यादों को बचाया, इसी तरह से मेरी जिंदगी को हमेशा बचाओगे ये सोचकर प्यार हो गया। मेरा पीछा मत करो प्लीज। देखो भाई, तुम इसे पसंद आए हो मतलब तुम में कुछ खास है। ये दिखने में बहुत जिद्दी लगती है लेकिन अच्छी लड़की है यार। जी हाँ सर, ये बहुत अच्छी लड़की है। एक बार पसंद है कह दीजिए, मरते दम तक आपका साथ निभाएगी। देखो तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। न जानते हुए भी कल पूरा दिन इसने तुम्हारे बारे में ही बात किया है, यहाँ तक कि कल पूरा दिन बोल बोल के तुम्हारे बारे में परेशान कर दिया इसने। लव यू बोल दो ना यार। आई डोंट लाइक दिस लव एंड लव स्टोरीज। देखो ये लव वव मुझे पसंद नहीं है। ए, यहाँ लव करने वाली सिर्फ सनी है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सनी तुमसे प्यार करती है। स्टॉप इट आइसर, मुझे देखकर तुम लोग कुछ और समझ रहे हो। अरे मेरी भी एक लव स्टोरी है। हाँ तो बताइए आपकी लव स्टोरी। ए तुम रुको, वो सोनी महिवाल लैला मजनू टाइप लव स्टोरी तो नहीं है ना? नहीं, ये मेरी लव स्टोरी है लेकिन अब मेरी लाइफ स्टोरी बन चुकी है। मैंने एक रेनू नाम की लड़की से प्यार किया था। मैं अपने माँ बाप की मर्जी से उससे शादी करना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। लेकिन उस दिन मैंने एक पैम्पलेट देखा, शहर के बाहर उस जंगल वाले मंदिर में अगर कोई जाएगा तो उसकी हर इच्छा पूरी होगी। उस पैम्पलेट पे ये सारी बातें लिखी हुई थी जो मैंने पढ़ी। अरे रुको 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 रुको, वेट अ मिनट, व्हाट्स इट, कम अगेन? आज भी ऐसी चीजों पे भरोसा करते हो? दिस इज टू मच यार। आप जैसे लोग ही इमोशनल होकर के असली काम भूल जाते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट जीरो। मैंने वहां जाने का फैसला किया और मेरे साथ मेरी रेनू, मेरे दोस्त वामसी और गिरी, वो दोनों भी मेरे साथ आ गए। वामसी के बारे में कहूँ तो वो थोड़ा सा हिलावा कैरेक्टर है। मेरी दोस्ती की वजह से, मेरे प्यार की वजह से सब लोग साथ में मंदिर के लिए निकले। को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे गिरी गाड़ी रोक। क्या हुआ पवन? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? हमारे कार में जाते वक्त जरूर कोई हमें फॉलो कर रहा था। वो क्या है मैं बताऊं क्या? क्या है वो बताओ। इसका पागलपन। इनमें पागलपन है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग जरूर पागल हो जाएंगे। ए, इसे परेशान मत करो यार, इसे फ्रीली बताने दो ना। फ्री में नहीं तो पैसे देकर बताने दो। तुम शांत रहोगी, उसे अपनी स्टोरी बताने तो दो। वेटर। यस सर। चार क्यूबा लेकर के आओ। मुझे फेंटा। हाँ मेरे लिए भी फेंटा। ओके मैम। ठीक है, दो क्यूबा दो फेंटा लेके आओ। ओके सर। वैसे तुमने
मेरे दर्द को कभी महसूस किया है क्या? ए, तुम्हें क्या दर्द होगा यार? अगर होगा भी तो तुम्हारा दोस्त हमदर्द बनके मैं हमेशा साथ रहूंगा ना। और मैं? तू मेरे मरने तक साथ रहेगी। आप बोलिए भाई। उसके बाद वहां से मैं और मेरे फ्रेंड्स आगे के लिए निकल गए। भगवान, सिर्फ कार में बैठने से नहीं चलेगा, पीछे जाके जोर से क्या हो गया यार? थोड़ा जोर से, तुम में थोड़ा भी दम नहीं है क्या? अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं आकर के ना धक्का लगा दूंगी। अरे लगाओ लगाओ, जोर से धक्का लगाओ ना। अगर ताकत नहीं है तो बता दो, मैं किसी और को बुला लूंगी। बाबू, कार को धक्का मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम ही दोनों तो। हाँ। मेरी आंखों में कुछ गिरा है। बताओ, मुझे दिखाओ। रुको, मैं निकलता हूँ। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे मंदिर जाने के लिए स्टार्ट होने वाली हमारी जर्नी कार खराब होने से ही शुरू हो गई थी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतने बैग किस लिए? मेरे कपड़े ले, इसे पकड़। हाँ। रख ले। रेनू, इस ड्रेस को भी बैग में रखो। बंद कर देता हूँ। तब फिर कोई टैक्सी मिली होगी ना? तुम्हें कैसे पता मैडम? कार खराब होने पर टैक्सी नहीं तो हेलीकॉप्टर आएगा क्या? वैसे कहानी में ट्विस्ट होनी चाहिए, लेकिन ये पंचर क्या है? वहाँ एक गाड़ी तो आई थी। स्टॉप 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 स्टॉप, रुकिए। ये चल रहे मोटू, बैठ जाओ। कौन सी चक्की कांटा खाता है? तुम इसके बाजू में बैठ जाओ और मैं इसके बाजू में बैठती हूँ। कहाँ जाना है आपको? हमें शिव मंदिर जाना है। यहाँ उतर के जंगल में 2 किलोमीटर चलेंगे ना तो शिव मंदिर आ जाएगा आपका। ओके, थैंक यू। चलते रहो भाई। ये क्या है भाई, इस जंगल में मंगल करने आए हो क्या? तेरी जात का दादा मारू। हाय हाय, कितना अच्छा मौसम है। ए, बिना मंदिर के भगवान दिख रहे हैं यार। ये क्या है? मंदिर जाने का रास्ता मिल गया तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, मिल जाएगा। अरे बाप रे। हाय हाय, बढ़िया। हाय हाय, आगे बताइए ब्रदर। हमारी लव स्टोरी सक्सेस होगी ये सोचकर खुश हो रहे थे तभी। अरे भाई, लवर कौन है पहले ये तो बताओ। मैं बताता हूँ, सुनो। कितना फेंकता है, राम से ब्रदर्स की कहानी सुना रहा है। ए, क्या हमेशा उसे चिपका रहता है, छोड़ना उसे।
तू रुक क्यों गया? सिर्फ तुझे ही नहीं, मुझे भी गर्लफ्रेंड मिल गई है, उसके साथ एंजॉय करूंगा। वंशी के लिए गर्लफ्रेंड मिल गई, ये सोचकर वो खुश होने लगा। क्यों, डेरी मिल्क जैसी थी? आराव डार्लिंग। अबे गिरी, तेरे को क्या हो गया, ये साड़ी क्यों पहन रखी है? मैं गिरी नहीं हूँ, गिरिजा हूँ। अबे तू ऐसा क्यों बन गया है? मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, पब्लिक से छिपाती हूँ, पर तुमसे छिपाने का क्या फायदा? ए, रुको ना यार, एक बार मेरे गले लग जाओ। साजन गले लग जा, मेरे राजा, आ जाना, आ जा। कहाँ भाग रहा है? अरे बचाओ यार, शॉक लगाना। देख रहा है इसको? अबे चल यार यहाँ से। हेलो हेलो, अबे चल ना। हेलो 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 हेलो, हैं? ओ यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सब लोग फोन ऑफ कर दो। ये कैसा निशान है? पवन, तुमने वो आवाज सुनी? नहीं तो? मुझे अभी बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई दी। कौन सी आवाज सुनाई दी? कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम होगा। चलो। हाय। अबे तू मुझे गिराने के चक्कर में क्यों पड़ा है? पता नहीं क्या हुआ, किसी ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। कौन? पता नहीं कौन था, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है उस धीरजा ने मुझे गिराया है। चुप रहो यार, मरा हुआ फिर से लौटता है क्या? क्या बात कर रहा है तू भी? पता नहीं यार, मुझे पक्का लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ नहीं, नहीं होगा यार, चल, चलो आ जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा यार, चल। अबे मेरे पीछे क्यों पड़ा यार तू? पवन वो देखो सुंदर है ना? वो फल चाहिए क्या? गिर क्यों गए? उस धीरजा ने मुझे वापस गिरा दिया नीचे। धीरजा तुम्हारी दोस्त थी ना? उस टाइम भी गिराने वाली वही थी और अब भी उसी ने गिराया। धीरजा तुम्हारी फ्रेंड थी ना? हाँ थी, तो हो सकता है उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई हो। उसकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश रही होगी? हो सकता है उसने किसी को बताया ना हो। अगर उसके मन में कुछ होता तो वो मुझे बता देती ना। तुम इतना डीप मत सोचो। सच कह रहा हूँ मैं, मेरा यकीन करो, यकीन करो मेरा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है।
लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ यार। छोटी बात को बढ़ा के मत करो यार। बढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। अगर तुम्हारी बात सच है और धीरजा यहाँ आई थी तो हमें भी तो दिखनी चाहिए ना। अगर दिखाई देगी तो तुम सबकी जान ले लेगी यार। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। क्या हुआ था मुझे बताओ ना, आखिर क्या हुआ था, तुम तो बताओ। ऊपर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यकीन नहीं करने वाले मेरे दोस्तों ने धीरजा को देखते ही यकीन कर लिया। अरे वाह, सुपर स्टोरी है यार, राम गोपाल वर्मा के हॉरर स्टोरी से भी अच्छी। उसे बताने से नहीं, देखने पर यकीन होगा। अरे रुक जाओ यार, मैं तो तुम्हारे भरोसे ही आया। चल जल्दी करो। अरे रुक यार। तैया, तुम मर्दों की वजह से ही आज मैं इतना बुरा फंसी हूँ। यहाँ देखो आजा। ओए बंसी, कहाँ जा रहा है, आजा। बंसी, वामसी भागते भागते बहुत दूर चला गया। वो कहाँ चला गया ये बात कोई भी नहीं जानता। मैं हूँ यार। वामसी आओ यार। मैं हूँ यार, तेरी फ्रेंड हूँ यार। अरे मेरी साड़ी छोड़ दो यार, छोड़ दो।
तुम मुझे क्यों सता रही हो? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये मुझे भी ना मारे नहीं छोड़ेगी। अरे कुछ लोग यार। उसके बाद गिरी कहाँ चला गया वो मैं भी नहीं जानता। वो कहाँ चला गया यार? और गया तो गया कहाँ? अब तक तो मुझे ये भी नहीं पता वो जिंदा है भी या नहीं। ओह, पता नहीं क्या हो रहा है। इस ट्विस्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ यार। आप अपना समाज सेवा बाद में कर लेना, आगे बताइए ब्रदर। डर के मारे भागते हुए जंगल में हम एक दूसरे से अलग हो गए। मैं अपने फ्रेंड्स, मेरी रेनू को ढूंढते हुए पूरे जंगल में घूम रहा था। रेनू, ओह गॉड, रेनू, 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 ओह गॉड, रेनू, 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 ओह गॉड, रेनू, Renu! Oh God! Renu! Oh God! लाइफ में दोबारा रेनू से मिलूंगा नहीं, ये सोचते सोचते मैं रेनू को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। पवन, रेनू, अपने स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हें दुख दिया। मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो तुम मुझे फिर मिल गई। हमें मिलाने वाला वो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। हमारे दिल में कोई खोट नहीं है, हमारे साथ सब अच्छा होगा। हमारा प्यार सच्चा है, कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। वो धीरेजा तुम्हें कुछ करेगी सोचकर कितना डर गया था उतना ही घबरा भी गया था रेनू। हमें कुछ नहीं होगा, किसी वजह से भी हमारे प्यार को मौत नहीं आएगी। हमारे प्यार के लिए, बड़ों के आशीर्वाद के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन इस हालात को देखकर यहाँ लगता है। टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना। सीता माँ से दूर रहकर राम जी ने कितने दुख उठाए होंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमसे बिछड़कर मैं बहुत घबरा गया था। अब मिल गए ना? हाँ मिल तो गई, लेकिन अगर नहीं मिलती तो? हमारा प्यार सच्चा है, हमारे प्यार को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन वो लोग कहाँ हैं? चलो ढूंढते हैं। ठीक है चलो। रेनू सच कहूँ तो तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं जी ही नहीं पाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ दे मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? बस कर तेरा झूठा प्यार जताना। क्या मजाक कर रही हो ना? क्यों रे, तुझे मजाक लग रहा है? क्या कहा तुमने? तुमने जो भी सुना सच है। कौन सा सच? किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे अंधविश्वास के कारण मुझे इस जंगल में ले आए हो। तुम्हारी फैमिली के खातिर मैंने तुम्हारी जिंदगी में प्यार भरा और तुमने मेरी जिंदगी में जहर। क्या कहा? जी हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी फैमिली से नहीं। बड़ी लाड़ प्यार से पली हूँ, तुम्हारे प्यार में डूबकर जंगल में मरने नहीं आई हूँ। रेनू, मैंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया।
अपने जान से बढ़कर तुम्हें प्यार किया है रेनू। जी हाँ, लव इज अ हार्ड द फीलिंग नॉट अ कमांडिंग। रेनू ने मुझे लात क्यों मारा ये अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसी लड़कियों की वजह से ही तुम जैसे लड़कों की ऐसी हालत होती है। रेनू, तभी हमें मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी। ए? ए? अरे यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। आ जाओ रेनू, आ जाओ। अरे मंदिर मिल गया। देखा आखिरकार हम मंदिर पहुंच ही गए। अरे आओ यार, बहुत सुंदर मंदिर है। मुझे भी थोड़ा पानी देना। अरे बाप रे। अरे बाप रे, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप ही लोग जाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे भाई, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस मंदिर का वॉचमैन हूँ। ओ, इनका बचना मुश्किल है। भगवान, इसी से मेरी शादी करा दो, मुझे यही लड़का पसंद है। भगवान, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आऊंगा। प्लीज गॉड, प्लीज। भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस यहाँ से जिंदा बाहर निकाल देना। 501 के लड्डू चढ़ाऊंगा, प्रॉमिस। वाओ, देखो रेनू, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? कितना खूबसूरत है। ये मंदिर, ये पेड़ पत्ते सुपर है ना? It's really amazing. Love you यार। रेनू, ये सब देखकर लगता है कि हमारी मन्नत जरूर पूरी होगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारे पेरेंट्स भी शादी के लिए मान जाएंगे। सच में मानेंगे ना? इसीलिए तो इतनी दूर से हम यहाँ इस मंदिर में मन्नत मांगने आए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या बात है, तुम्हें श्लोक पढ़ना भी आता है? वो भी इतने अच्छे से। इतना ही नहीं, हर गुरुवार उपवास भी रखती हूँ। अच्छा, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी तुम पसंद आओगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जैसी अच्छी लड़की मुझे कहीं भी नहीं मिलती। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम बिल्कुल माँ लक्ष्मी हो। आई लव यू पवन। चलो अब चलते हैं।
पवन पवन छोड़ दे शिवलिंग को। तुम तो मर गए थे, वापस कैसे आ गए? यह तेरा वहम है, पागलों जैसी हरकत मत कर। पहले शिवलिंग को छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे मार दोगे। क्यों रे, मेरी बात नहीं मानेगा? छोड़ दे उस शिवलिंग को। शिवलिंग को छोड़ दिया तो मेरी जान चली जाएगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। राजू, अगर तुम भूत नहीं हो तो इसे छू कर दिखाओ। अरे बाप रे, तुम तो राजू ही हो। जब तक तेरे मन में डर है, शिवलिंग तो क्या भगवान को भी पकड़ेगा तो भी डरेगा। तू अपने दिल से उस डर को निकाल दे। थैंक यू राजू, चलता हूँ। वाओ, ये लोकेशन बहुत प्यारा है। आप यहीं रुकिए, मैं वहाँ जाकर देख के आती हूँ। जंगल में हो, याद रखना। ठीक है। तूने ऐसा कोई जादू कर दिया। तू यहीं पर बैठ, मेरे इनू को देख के आता हूँ। हाँ ठीक है, देख कर आप। रेनू, 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 कहाँ हो तुम? रेनू, 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 कहाँ हो तुम? रेनू, रेनू, हे रेनू, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही यार, चल चल के ढूंढते हैं। हाँ, आजा आजा। हे हे राजू, हे चल चल। इनका बचना मुश्किल है, मरना तो होगा ही। पवन, रेनू, 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 पवन रुक ना यार। रेनू, रेनू, रेनू कहाँ हो? रेनू, 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 ये धीरजा का ही काम है। धीरजा, सामने आ, धीरजा, रेनू, कहाँ हो तुम? रेनू, कहाँ हो तुम? धीरजा, सामने आ, धीरजा, सामने आ। धीरजा, सामने आ, धीरजा, धीरजा, सामने आ। ए धीरजा, कहाँ है तू? ए धीरजा, सामने आ, कहाँ है तू? धीरजा, Ha 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 ha
नहीं धीरज आ, मेरे सामने आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहां पर है तू? सामने आ धीरज आ। ए धीरज आ, कहां है तू? ए धीरज आ। वेनू, 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 हे धीरज आ, रेणु कहाँ गए हो तुम? रेणु, रेणु, हे कहाँ है तू? सामने आ रेणु। रेणु को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। बस करो यार, स्टोरीज में कमर्शियल स्टोरी सुना सकते हैं, कॉमेडी सुना सकते हैं, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के स्टोरी सुना के झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ मत बनाओ। ए, तुम लोगों को मेरी कहानी झूठी क्यों लग रही है? तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हो। आप लोगों को मैं क्या कोई सरफिरा आशिक नजर आ रहा हूँ? अच्छा तो ये तुम्हारी सच्चाई है, ये कौन जानता है? जब दिल में दर्द होता है तो किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम लोग ये नहीं समझ सकते। हम तो सिर्फ आपकी हमदर्दी के लिए पूछ रहे थे। तुम लोग हमदर्दी से नहीं पूछ रहे हो, मजाक उड़ाने के लिए पूछ रहे हो। तुम्हारी इस फालतू कहानी को हम सच क्यों मानेंगे यार? मानना पड़ेगा, जरूर मानना पड़ेगा। ओके ओके, तुम्हारी कहानी सच है ये प्रूफ नहीं कर पाए तो इस लड़की से प्यार करोगे क्या? अगर मैंने साबित कर दिया तो इसे मुझसे दूर कर दोगे क्या? पक्का दूर कर दूंगा। ए, ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, तेरी फालतू कहानियां सुनने के लिए यहाँ कोई LKG के बच्चे नहीं है। इसके चैलेंज के लिए मैं रेडी हूँ। मेरे सारे अरमान आंसुओं में बह गए। तुम लोगों को मेरी आंखों में आंसू नहीं दिखाई दे रहे? बारिश की बूंदों में और आंखों के आंसू में फर्क नहीं जानने वाले गधे हो तुम। ए, गधा किसे बोला बे? तुम सबको, भरोसा करने वालों को बता सकता हूँ लेकिन तुम जैसे को बताना बेफिजूल है। मैं साबित करके रहूंगा, चलो मेरे साथ। ठीक है ठीक है, तुम्हारी बात मान के तुम्हारे बताए हुए जगह पे चलते हैं। ये खेल नहीं है, अपना वादा निभाना होगा। जो दिखावा करता है वो हकीकत का सामना करता है, तुम्हारी तरह। मैं वहाँ पर अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए जा रहा हूँ और मैं ये साबित करके रहूँगा। वहाँ जाके मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात सच है या नहीं ये साबित करके रहेंगे। अरे शराबी की बातें सुनकर क्या शर्त लगा रहे हो यार? ए, तुम चुप रहो, प्रूफ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना दम था। मेरे साथ आने वाले मेरे साथ आ सकते हैं और जिसको मरना है वो मेरे साथ आओ। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यार, वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। मौज मस्ती वहाँ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सच्चाई क्या है पता लगाना होगा। इसका बताना सपना हो या सपने को हकीकत में बदल दिया हो, किसे पता। कहानी तो इंग्लिश मूवी की तरह अच्छी लग रही है। वैसे अगर पैसा हो तो सिनेमा देखने जा सकते हैं, नहीं तो पायरेटेड CD बाजू की गली में बेचते हैं, वहाँ से खरीद कर हम लोग देख सकते हैं। मत करो बाबू, पायरेसी से बेहतर लाइव में देखना ना, अगर दम है तो। दम कह रही हो, वहाँ जाके दिखाना। देखूंगी देखूंगी, तेरा भी दम निकल जाएगा। प्लीज गाइस शोर मत करो। क्यों ना करें, हम ऊटी के कॉटेज में आए हैं क्या? बेकार के जंगल में जा रहे हैं, ऐसा शोर शराबा नहीं करें तो और क्या करें।
क्या हुआ यार? लगता है गाड़ी खराब हो गई। मैं देखता हूं। बाप रे, इसकी बातें सच होने लगी। अरे क्या बक रही हो, गाड़ी खराब हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी सारी बातें सच हो गई। भाई सच है या नहीं पता नहीं, मुझे तो सच लग रहा है। भाई तुम्हें लग रहा है तो? भाई अभी तो गाड़ी पंक्चर हुई है, कहीं बाद में हम लोग ना पंक्चर हो जाएं। लगता है ये सच बोल रहा है यार, बिना सोचे आगे जाएंगे तो आत्मा बन जाएंगे। इंटर द ड्रैगन, सिर्फ आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं। अरे भाई इस रास्ते से जाओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। मर जाएंगे वो ठीक है, लेकिन आत्मा बन के भटकना मंजूर नहीं है यार। अरे अनजाने में जाना मासूमियत है यार, लेकिन जानबूझकर जाना मूर्खता है। ए प्रवीण यार, तू मेरी बात सुनेगा क्या? मैं प्रवीण नहीं, इडियट प्रवीण हूँ। इडियट फिल्म के लिए काम भी किया है। ए सन्यासी की तरह बात मत कर यार, डरपोक कहीं का। सन्यासी बनना मंजूर है, जान बच जाए वही बहुत है यार। बस तेरी बात में सच्चाई है, हम यकीन कर रहे हैं। सोचे भाइयों, हमारी बत्ती जल गई, तुम सब मेरी बात मानो और वापस चलो, नहीं तो सबको सब मारे जाओगे। वापस जाने में ही भलाई है। अच्छा आपकी भी जान है तो आप होने वाले सीएम और पीएम बनने वाले हो। चले जाओ यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। ए तुम दोनों यहाँ आओ जल्दी से। क्या हुआ? अपनी बकवास बंद करो। इसके भेजे में बात नहीं आ रही है, यहाँ देख के लगता है सबकी फट रही है। चलो यार चलते है। चलो भाई चलो। हवा में उड़ने लगा है, दिल की धड़कन बढ़ने लगी है, रास्ते पर साइकिल चलने लगा, घर आने से पहले जरा आवाज छोड़ के जमीन पे उतर जाओ भैया। अरे कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? अरे भैया यहाँ खाने पीने के लिए कुछ बेकरी वेकरी है क्या? यहाँ बेकरी और बड़े होटल नहीं मिलेंगे। वैसे आपको जाना कहाँ है भैया? मंदिर जाना है। इस जंगल के पहाड़ों में कौन से मंदिर में? शिव मंदिर जाना है। बाप रे, उस मंदिर में जाना हो तो बहुत वस्तु चाहिए भैया। वस्तु मतलब? वस्तु बोले तो छोटे बच्चों को दूध में मिलाकर देते हैं ना, उसका नाम क्या है भैया? अरे रे 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 रे, वस्तु को वस्तु कहते हैं। शायद बूस्ट होगा। हाँ वही, वो पियेंगे तो ताकत आती है। वही ओ, एनर्जी की बात कर रहे हैं। उस लड़की ने बताया ना, उसी की जरूरत है। आपकी शक्ल देख के तो लगता है हवाई उड़ी हुई है, तो बूस्ट कहाँ से खाओगे? बूस्ट भी है, हॉर्लिक्स भी है, जरूरत पड़ने पे इसके पास मिंटो फ्रेश भी है। ए, मंदिर का पता चाहिए कि नहीं? ये लो 100 का नोट बता दो भाई। अरे बाप रे, तेरे जितना तो नहीं लेकिन मेरे पास भी है पैसा। हमारे पास कितना भी रहे हम ऐसे ही रहते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहता फिर भी उड़ते हो। बाप रे ये आम आदमी नहीं है, लगता है रजनीकांत की फिल्में बहुत देखता है ये। अच्छा ठीक है, मंदिर तक पैदल जा सकते हैं या नहीं? भागते हुए जा सकते हो? ये तो पूरे बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। और हम से भी चलते हुए जा सकते हो, यहाँ से सीधे जाकर वहाँ उत्तर दिशा में घूमोगे तो वहाँ एक पुराना विशाल पेड़ है, वहीं पर मिलेगा मंदिर। पहले ही बता देते हैं। लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना। मतलब कौन सी बात? पता पूछने वाले एक साथ तो जाते हैं लेकिन वहाँ से अकेला ही आता है। ये भाई को तो मैंने कहीं देखा ऐसा लगता है। पवन हम कहाँ आए हैं? क्या तुम यहाँ बर्थडे मनाने वाले हो?
वो भी इस शमशान में। अच्छी जगह पे तो सभी बनाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर कोई नहीं बनाता। यही बताने लाया हूँ, अब केक काटो। लव यू यार। ये क्या बोल रही हो तुम? सिर्फ बातों में जुड़ा है सबका प्यार, और हकीकत में जुड़ा है हमारा प्यार। केक काटते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, यह ताबीज अपने पास रखो, हर बुरी चीज से बचे रहोगे। देखो चाचा जी, आपका नाम क्या नहीं जानता, मैं जो बोलता हूँ वो लिख लो। जहाँ भरोसा होता है वहीं डेवलपमेंट होता है, और जहाँ अंधविश्वास होता है वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता। हम अंधविश्वास की वजह से इस जंगल में आए हैं, तो इन तावीजों की हमें क्या जरूरत है? अगर आपको खुद पे भरोसा होता और अगर आपके पास पैसे होते तो मिनिमम किसी बाइक पे बैठ के आते। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आज तक बच्चों वाली साइकिल पे घूम रहे हैं। ऐसे तुम्हारा क्या भला होगा चाचा? बात को लिख लो। मैं लिख तो दूंगा बाद में, लेकिन पहले मेरे बताए हुए पता को लिख लो। ठीक है, अब एड्रेस बता दिया ना, अब जाने के लिए मुहूर्त निकालूं क्या? आप शहरी लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, जरूरत पर इस्तेमाल करते हैं, बाद में भीख मांगने लगते हैं। हटा, हवा में उड़ने लगा है, दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। बॉस, लास्ट टाइम इसके ही बताया रास्ते पर गया था, लेकिन हमने बहुत सारी तकलीफ उठाई। लगता है कुछ तो होने वाला है, इस बार हम इस तरफ से चलते हैं। हाँ? ये रास्ता सबके रास्ते लगा देगी भाई। ए, कौन है रे तू? लड़कियां कहाँ मिलेंगी? तेरी तो ए, हर नालायक एड्रेस पूछने आ जाता है, उन्हीं को एड्रेस बताने में परेशान हो गया था, और तू आके पूछ रहा है लड़कियां कहाँ है। मैं क्या तुझे ब्रोकर दिखता हूँ क्या? लड़कियां कहाँ है बता दो ना। क्या बताऊँ तेरे को? ए, मार डालूंगा तुझे, आज मार डालूंगा तुझे। हर किसी को मेरा एड्रेस बताता है और मुझे थप्पड़ भी मारता है। इस लड़की का रेप करूंगा। ए, पागल है क्या? इस लड़की का भी रेप करूंगा। चल चल। तुम्हारा भी रेप करूंगा। इसको छोड़ो यार, एक नंबर का पागल है ये। यहाँ जंगल में क्या घूम रहा है, शहर में जाके जो करना है करना है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। एक पागल निकल लिया धीरे से। चलना है। चलो तो। चलो आगे क्या होगा पता नहीं। रेनू, इसे क्या हुआ? रुको बालू। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको बालू, रुक जाओ। हे रेनू, यहीं कहीं होगी।
ओह गॉड शिट। ए आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार। मौसम बहुत अच्छा है, चलो प्यार के गीत गाएं। ए, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। तुम तो जानते हो। आ जाओ फिर। I don't have time. अगर मौका मिले तो चौका मारना चाहिए। मौका छोड़ दो, मेरा बैटिंग करने का मूड नहीं है। बिना मूड के भी लोग कर सकते हैं, मौका क्यों गवा रहे हो इडियट? मौके का फायदा उठाना कोई मुझसे सीखे। मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है, लड़कियाँ ऐसे बाहर आकर बहक जाती हैं, पर कभी कभी चलता है ना? अगर उसे पता चला ना तो तेरी जान ले लेगी। मैं भी सीखने तुमसे जरूर आऊंगी। चलो फिर चलते हैं। वैसे तुम मिसयूज कर रहे हो। ये मिसयूज नहीं, यूजलेस है। करोगे तो और चांस मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं। कम ऑन। कुछ करूँ क्या? करना चाहती हूँ, तुम कॉपरेट नहीं कर रहे हो। पेशेंट के कॉपरेट करने पर भी ऑपरेशन ना करने वाले डॉक्टर तुम्हारे जैसे होते हैं। सही काम करते हैं हम जैसे लोग, बेकार का काम नहीं करते हम लोग। कोई सुनना चाहे तो बहुत कुछ सुना सकता हूँ मैं। तुम कुछ भी कह लो, लगता है कुछ नहीं होने वाला। हाँ तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे क्यों लेकर आए तुम? आने के लिए कहा था ना, तो शर्त लगा कर बहक क्यों रही हो? शर्त लगाया तो क्या, काम तो कर सकता हूँ ना। जब करना ही है तो फिर सोच क्या रहे हो? आत्मसम्मान है इसीलिए। तो मुझे नहीं है क्या? किसी भी तरह तुम्हें पटाकर तुमसे शादी करने वाली हूँ, इसीलिए क्लोज हो रही हूँ। अरे बाप रे, बहुत ठंड है यार, आग बहुत मस्त लग रही है। क्या यार, तुम्हारे शैतान और भूत कहाँ है यहाँ? लगता है वो तुम्हारी बनाई कहानी थी। हमारी फैमिली में मेरे मॉम डैड के साथ मेरे मामा जी की बेटी धीरजा भी साथ रहती थी। मैं और धीरजा बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे, एक ही स्कूल एक ही क्लास। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। हमारी टीनेज की उम्र से ही धीरजा मुझसे मनी मन में प्यार करने लगी थी, जो उसने मुझे कभी नहीं बताया और मुझे ये बात पता भी नहीं चली। जब मैं हायर स्टडीज के लिए दूसरे शहर गया तब 4 साल के बाद धीरजा ने अपने पापा से हमारे प्यार के बारे में बताया। मामा जी मेरी शादी की बात करने के लिए धीरजा के साथ आए थे। धीरजा को बचपन से ही मैंने अपने परिवार का मेंबर ही समझा था और मैंने इसे ये बात साफ साफ कह दी कि मैं सिर्फ उसे एक बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ, मैं उसे अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। बिना सच्चाई जाने मैंने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया और मामा जी मुझसे सॉरी कहकर वहाँ से चले गए। लेकिन उसी दिन गाड़ी चलाते हुए मेरे मामा जी का कार एक्सीडेंट हो गया। मेरे मामा जी की गाड़ी टकराने से उनकी उसी जगह पर जान चली गई। लेकिन धीरजा को ये लगा कि उसके पापा की जान उस कार एक्सीडेंट में मेरी वजह से हुई है। मैंने उसे धोखा दिया ये सोचकर वो मुझसे नफरत करने लगी। पुलिस कंप्लेंट देने की बजाय मुझे धमकी देने लगी। मेरे ना डरने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया। धीरजा की सुसाइड नोट में ऐसा लिखा था कि अरे पवन, मेरे प्यार को तिरस्कार किया, मेरे पापा के मौत का कारण बने हो, मैं अपनी जान दे रही हूँ, लेकिन मेरी यही प्रतिज्ञा है तेरी जिंदगी में कोई भी लड़की आ जाए, तुम्हें किसी भी लड़की से प्यार हो जाए, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस कहानी से तो एक नोवेल लिख सकते हैं। YouTube में वीडियो सर्च करने का टाइम नहीं है, पहले तुम उसे लिखोगी बाद में लोग पढ़ेंगे, ये नहीं होने वाला यार। पवन, भूत इसी जंगल में है कहा था, कहाँ है यार? दम है तो बुलाकर दिखाओ। ए, तुम सिगरेट पी रही हो? तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। सिर्फ हिम्मत नहीं बढ़ी,
किसी का मर्डर भी कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो पवन उस भूतनी को जल्दी से बुलाओ यार, मुझे इस जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज यार एक बार उस भूतनी को बुलाओ ना, मेरे अच्छे बच्चे हो ना। तू बस कर मेरी माँ, इसकी भूतनी नहीं आएगी तो उसकी भूतनी हमारे पीछे पड़ जाएगी। आने दो, उसे और तुम्हें दोनों को काट डालूंगी। असल में तेरी बलि देने के लिए लाए हैं यार। ज्यादा गुस्सा मत दिला, सुनेगी तो आ जाएगी। सिर्फ गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, मेरे साथ पंगा लिया तो वो खुद डर जाएगी। अरे वाह, लोकेशन बहुत मस्त है, आज यहीं पे रुक जाते हैं। ओके ओके ओके। डर लग रहा है क्या? नहीं, मुझ में हिम्मत है। इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम्हारी प्यार की वजह से। मेरे प्यार की वजह से ना, मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो तुम। हाँ, इसी जन्म के लिए। अगले जन्म के लिए तुम मुझे चाहती हो तो अभी अच्छे से करना होगा तुम्हें। आने बोलो। सनी चल चलते, सनी चलो चलते। भूत नहीं होता, भूतों से नहीं डरता कहा था, तो हवा क्यों निकल गई अब? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मुझे क्या पता था कि तुम डरा दोगी। चलो अब, डरपोक कहीं का। बाकी सब कहाँ है? हे, लड़की सामने है फिर भी यूज नहीं कर रहे, मौका देने पर भी यूज नहीं कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग ना पिज्जा हाथ में रहने के बाद भी उसे खाते नहीं। बेवकूफ हो एकदम तुम, मेरे दिल की बात कब समझोगे यार? मैं सब समझता हूँ, समझी? समझने वाला कहता नहीं, करके दिखाता है। मैं बोल रही हूँ कि मुझे तुम चाहिए, फिर भी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? मैं एक बात बताऊँ, मानोगे क्या? अगर इतनी अच्छी लड़की मिले ना, तो हर इंसान उसके साथ प्यार करना चाहेगा। भगाकर ले जाने का ऑफर देने के बाद भी खामोश क्यों खड़े हो तुम? तुम नहीं बदलोगे ना, तो कम से कम मुझे अपने जैसा बना लो। सुनो, मुझे साइको मत बनाओ, चलो मेरे साथ, चलो चलो ना। मैं नहीं आऊंगा। अरे आओ, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। जो भी हो, मुझे क्या, फ्री में मिल गया, पहन लेती हूँ। जंगल में भले तकलीफ उठाई हो, जिंदगी भर बैठ के खाऊंगी, इतनी अमीर हो गई हूँ अब। ओ
कितनी अच्छी लोकेशन है, कितनी प्यारी हवा है। उस धीरे जाके आत्मा यहीं कहीं भटकती रहती है। यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिना टेंशन के आराम से रह सकते हैं। क्यों तुम सब मेरे पीछे आकर मरना चाहते हो? मैं तो बेवकूफ हूँ, रेनू के लिए आया हूँ। मेरे साथ तुम क्यों मरना चाहती हो? मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, तुम मुझसे प्यार करोगे ये सोचकर आई हूँ यहाँ पर। तुम्हारी फालतू कहानियाँ सुनने नहीं आई। तुम नहीं सुनोगी, मुझे नहीं समझोगी। गेट लॉस्ट, चली जाओ यहाँ से। अगर मैं जाने वाली ही होती तो तुम्हारे पीछे क्यों आती? हम ठीक है, जाने दो। वैसे ना मुझे तुमसे दौलत की चाहत है और ना ही तुम कोई सुपरस्टार हो। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जस्ट गो। अरे एक बात याद रखना, पैसों से, खूबसूरती से, शोहरत से प्यार नहीं होता। प्यार कब होता है, कहाँ हो जाता है, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। तुम्हारी बात तो अच्छी है, मेरी मौत तो मैं मरूंगा ही। अब तुम लोग जा सकते हो। तू बुलाएगा तो आऊं और तू कहेगा तो चला जाओ, हमें कोई काम नहीं है क्या? देख, हम जाने के लिए नहीं आए। तूने जो बोला था उसकी सच्चाई जब तक सामने नहीं आती तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। स्वाति, 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 ए, उठो स्वाति। बालू, ये फ्लावर देखो कितनी अच्छी है। किसी के रोने की आवाज आ रही है। कूल बालू, वैसे इसकी गलती क्या है? ए, वैसे इसकी बात क्यों मानेंगे हम? तुम्हें समझाना बेकार है। ए, क्या हुआ? ठीक है, सॉरी। चलो ना यार। स्वाति क्या हुआ? स्वाति उठो, स्वाति। अरे क्या हुआ? क्या हुआ यार? स्वाति मर गई यार। ये देखो स्वाति। स्वाति, 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 तुम लोगों की वजह से आज स्वाति की जान गई है। तूने अपने शर्त के लिए और तूने अपने प्यार के लिए इसकी जान ले ली तुम लोगों ने। ए, इसके साथ ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था यार। हम जो चाहते हैं वो अगर हो जाए तो अच्छी बात, और अगर ना हो तो वो भगवान की मर्जी होती है। ए, ये भगवान की मर्जी नहीं है, तुम्हारी वजह से हुआ। मैं मना कर रहा था यहाँ आने के लिए। See, without any proof, how can I believe it? What the hell is happening here? मौत का प्रूफ नहीं होता यार, सिर्फ लाश होती है। खेल शुरू हो चुका है, सब लोग इसी की तरह मरेंगे। देखो बॉस, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इस पर भरोसा करो, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। फालतू में चली गई, हमारे साथ होती तो जिंदा होती। लकी हो जो तुम लोग अभी तक जिंदा हो, मैं सच कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। नो, व्हाट इज दिस रविश? अभी स्टोरी में सुनाओ ना, हमारी चाहत और ना हम सुनना चाहते हैं। क्या होगा देखता हूँ मैं भी। मेरी बात सुनो तुम लोग, धीरे जाए, यहीं कहीं है। सनी, 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 लीजा तुम यहीं रहो। स्वाति
मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है? Who the hell are you? कौन है रे तू? मैं कौन हूँ जानती हो? तुमने मेरे दिल को घायल करके और आज मैं कौन हूँ पता नहीं बोल रही हो? उस दिन कॉलेज में मेरा दिल तोड़ दिया और आज मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। देखो देखो, बहुत प्यारी लग रही हो, सुपर। मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। तुम मुझे पसंद आ गई हो। आई लाइक इट। मैं ऐसा ही हूं, जो लड़की मुझे पसंद आती है वो मुझसे पट जाती है। उसी तरह तुम भी पट जाओ। और जानती हो तुम्हारा नंबर क्या है? 100। बेवकूफ। मुझे मना कर रही हो, इसका मतलब तुम जरूर किसी न किसी से लव कर रही हो, है ना? वो तेरा लवर, उसी का दम पे एटीट्यूड दिखा रही हो ना? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सनी को सिर्फ अपने दम पर भरोसा है। ओह, अच्छा तू है। उस दिन की मार काफी नहीं थी क्या? वही घमंड, अभी तेरा घमंड उतारता हूँ। ए, चिल्ला मत। ए, मेरे हाथों में हथियार देख के तुझे डर नहीं लग रहा है? नो, तेरे डराने से मैं नहीं डरूंगी। अब बता। ना मैं तलवार से डरती हूँ और ना ही गन से। ओके, अब समझ गया मैं, तुझे बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। नहीं, मेरी पावर मेरे लवर के पास है और वो मेरा पति होगा और वो मुझे ढूंढता हुआ आ ही रहा होगा। उसे खत्म करके आता हूँ, वेट कर। I love you, Pavan. Pavan, हमें कुछ नहीं होगा। किसी वजह से भी हमारे प्यार को मौत नहीं आएगी। मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें बहुत दुख दिया है ना? हमें मिलवाने वाला वो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। हमारे दिल में कोई खोट नहीं है। हमारे साथ बुरा कभी नहीं होगा। धीरे जाओ। ये क्या किया तूने? तेरे जा, ये क्या किया तूने? बंद करो, बंद करो, ए बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।
बंद करो। बंद करो। स्टॉप। नो स्टॉप। नो बंद करो। स्टॉप इट। शांत हो जाओ बालक, क्रोध में आकर बड़ा पाप मत करो। कैसा पाप? प्रेमी होकर एक होने के लिए, अपने प्रेम को जिताने के लिए मैं तो इस भगवान के पास आया था, लेकिन अब यहाँ मेरे प्रेमिका को, मेरे प्यार को खोकर अकेले भटक रहा हूँ। अब मुझे किसी भगवान का कोई डर नहीं। जो कुछ भी हुआ उसमें विधि का खेल था, इसमें थोड़ी तेरी भी गलती है बालक। मतलब? तेरे साथ पली बड़ी तेरी धीरजा को, तूने सिर्फ धीरजा को अपना दोस्त समझा, लेकिन वह भी एक औरत है, इस विषय को तुम पहचान नहीं पाए, यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पास शादी के विषय पर बात करने आए हुए तेरे मामा जी से यह शादी मुझे पसंद नहीं कहकर बेझिझक कह दिया तूने, लेकिन उसी दिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई, वह विधि की इच्छा थी। बचपन से तुम पर प्रेम से, स्नेह से जान छिड़कने वाली वो लड़की, उसके पिता की मृत्यु का कारण तुम यो समझकर बदले की भावना में आत्महत्या कर लिया। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रेत आत्मा बन गई है, वो तुमसे बदला लेना चाहती है, इसीलिए मरकर भी वो जीतना चाहती है। हाँ तो उसका बदला मुझसे था ना, तो मेरी रेनू और मेरे फ्रेंड्स कहाँ चले गए? उन सबको धीरजा ने ही मारा है, तेरे जीवन में उसके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, किसी और को भी नहीं आने देगी। हाँ तो मेरे साथ आने वाले सभी लोगों को मार देगी क्या? उस सनी को भी मार देगी क्या? जब से सनी तेरे जीवन में प्रवेश की है, तब से उस लड़की का जीवन खतरे में है। हाँ तो मुझे सनी को बचाना होगा। रुक जाओ, तेरी मानव शक्ति से उस प्रेत शक्ति से टकराने के लिए जा रहे हो? यह लो यह रुद्राक्ष लेकर जाओ, जिसके भी शरीर में वह प्रेत आत्मा बसी हुई होगी उसके गले में इस रुद्राक्ष को पहनाओ, हमेशा तुम्हारा विजय होगा। ठीक है स्वामी जी। तू जिससे प्यार करता है उसे ही नहीं, तुमसे प्यार करने वाली को भी मार डालूंगी। मौका मिलने पर चौका मारना चाहिए। शैतान कहाँ है, भूत कहाँ है, कहाँ है? हाँ आने दो उसे, उसे और तुझे दोनों को काटूंगी। मुझे काटेगी? तू आज मुझसे नहीं बचेगी। Thank you.
पकड़ना होगा। दिन के उजाले में उसे तारे दिखाना होगा। तो कितनी भी दूर भाग जा, मरेगी मेरे ही हाथों से। तेरी आंखें निकाल कर तेरी लाश को दिखाऊंगी। अब आ गई तू मेरी पकड़ में। आजा, आजा। छोड़ो मुझे। कहाँ भाग के जाएगी मुझसे? तुझे बांध के आया था तो मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे सामने से निकल गई। चला जा, चल। तेरा यहाँ आना और मरना फिक्स है। तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं बदलने वाला नहीं हूँ। चल राजा। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। मुझ में शैतान बसा है। वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तेरी तो कैसे अरे गरे शराबी से प्यार करती है? मेरे जैसे सच्चे प्रेमी की कदर नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करेगी। तेरी तो चल जल्दी जा यहां से। तुझे इससे नहीं मारूंगा और जान से भी नहीं मारूंगा। इंग्लिश में एक बैड डायलॉग है, वही रेप। नो, नहीं, ना। रेप करूंगा सोच रही हो? पसंद करने से होता है, चाहे वो रेप हो या लव। Rudra!
स्वामी जी, आई एम सॉरी सनी। आई लव यू पवन। आई लव यू। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।